अनुपमा की हर कोशिश हो रही है नाकाम, स्वार्थ में अंधा हो गया है अनुज कपाड़िया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। स्वार्थ में अंधा अनुज कपाड़िया इसलिए कहा मैंने क्योंकि ये भी एक स्वार्थ ही होता है दोस्तों, कि मेरा दुख ही मेरा दुख है, किसी और का दुख नहीं है। इसलिए सब लोग अपना अपना खुशी में, होली में या इसमें उसमें शादी में व्यस्त रहना चाह रहे हैं, जबकि वो लोग नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, अनुज को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अनुज को लग रहा है कि मेरा इतना बड़ा दुख और ये लोग खुश कैसे हो गए। तो दुखी होने के बावजूद अनुज को वो सब दिख रहा है कि ये लोग खुश क्यों हो रहे हैं। तो ये एक तरह का स्वार्थ ही होता है कि मैं, मेरा दुख, मेरी खुशी, इसी पे फोकस होना चाहिए, बाकी सब फेड आउट हो जाना चाहिए। और ये बहुत गंदे वाला स्वार्थ होता है दोस्तों, जिसमें इंसान खुद भी पिसता है और दूसरों को भी पिसता है। चर्चा करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज और अनुपमा दोनों को देविका और धीरज ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। अनुज ने तो बधाई भी दी, मगर वो बधाई देने के बाद भी उसी टोन में रहा, उसी फॉर्म में रहा। इधर देविका ने जब अनुपमा को बताया तो अनुपमा इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि सब कुछ भूल गई। तो दोस्तों ये है फर्क अनुज और अनुपमा में। यहाँ पे जब देविका ये भी कह जाती है कि तुम लोगों को देखकर ही हमारा हौसला हुआ कि दूसरी बार ट्राई कर लेना चाहिए, मगर अब थोड़ा सा दिमाग में डाउट आ रहा है, तो अनुपमा की बातें सुनकर सच में मन खुश हुआ कि अनुपमा ने कहा कि ये थोड़ी देर का है, मेरा अनुज ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और साथ में उसने बताया भी कि कैसे मैं डिप्रेशन में चली गई थी तो कैसे बाहर आई थी। तो ये आते हैं फेजेस, निकल जाते हैं, सब पे आते हैं, अभी अनुज पे आया हुआ है, वो भी निकल जाएगा। मगर इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि अनुज मुझे प्यार नहीं करते हैं या अब उनका प्यार कम हो गया है। ये है अनुपमा का बिलीव। और दूसरी तरफ अनुज का, उसको सिर्फ यही खाए जा रहा है कि बाकी लोग खुश क्यों हैं। यही तो आज की कड़ी में हमने समझा ना दोस्तों, होली की सेलिब्रेशन की दूसरी तरफ शाह परिवार में तैयारियां होनी शुरू हो गई हैं, बातें होनी शुरू हो गई हैं। वहां पे पाखी सब बातें करती है कि हमारी पहली होली है, परी की पहली होली है, मगर मम्मी के बिना कैसे हो सकता है, मम्मी तो दुखी है ना, हम कैसे कर सकते हैं, ये सब चर्चाएं कर रहे हैं। और तोशु का ठीक होना एक बड़ी खुशखबरी है। तो यहां पे मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा कि तोशु सबको क्रेडिट दे रहा है कि आप सबने मेरे उस हालत में मेरा साथ दिया, मैं अब ठीक हूं, सब आपकी वजह से है। यहां पे अपनी मां को क्रेडिट देना भूल गया जिसका घर बर्बाद हो गया उसकी बीमारी की वजह से। पता नहीं, शायद तोशु ठीक होके फिर से वही तोशु बनेगा, क्या बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर यहां पे उसने खुद अपनी मां को याद नहीं किया, बापूजी ने याद किया कि अनुपमा को पता चलेगा तो वो कितनी खुश होगी। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर जो बात मुझे बुरी लगी वो मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो यहां दोस्तों शाह परिवार में तैयारियां चल रही हैं, और जैसे कि दिखाया गया कि वनराज होली नहीं खेलता, अधिक और पाकी वनराज को मनाने के लिए जाते हैं कि आप भी पापा होली खेलिए, क्योंकि मम्मी भी नहीं आएगी, आप भी नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा। तो यहां पे मजा आया दोस्तों देख के काव्या को, कि काव्या ने अब तो ठान लिया है कि वनराज को टॉर्चर करना है मुझे, और उसी धमकी के साथ ही उसको होली पे भी बुला लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काव्या वनराज का टेस्ट ही ले रही है कि कितना प्यार करता है। क्योंकि दूसरा जो आता है आदमी जिंदगी में तभी टेस्ट होता है, ऐसा सीरियल्स में ही हमने देखा है कि कैसे अपने हस्बैंड को भी प्यार आना शुरू हो जाता है, वो भी चाहता है कि मेरी वाइफ दूर ना जाए, मगर रियल लाइफ में ऐसा कम ही होता है। मैं आपको बताऊं, कभी ट्राई मत करिएगा, क्योंकि हम लोग सब इमोशनल हैं, तो अगर हम किसी को भी अपनी लाइफ में जगह देते हैं तो इमोशनली भी जुड़ जाते हैं, नाटक नहीं कर सकते हैं। खैर डिपेंड करता है हर किसी की लाइफ पे। चलिए इसके बाद जो सीन हमने देखा कि इधर अनुज अनुपमा सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, कैसे भी करके धीरज और देविका ने कोशिश शुरू की है कि माहौल थोड़ा
खुशनुमा किया जाए। होली की बात करते हैं, सब बातें करते हैं, यहां पे डिम्पी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों। डिम्पी ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया यहां पे, क्योंकि बाकी सब लोग भी कह रहे थे कि यही एक आइडियल कपल है जिसको हम लोग देखते हैं। इनकी तरफ देख के ही हमें समझ में आता कि हमें भी थोड़ा तो इनके जैसा बनना है। देविका और धीरज वहां पे भी यही कहते हैं कि हमने भी शादी का डिसीजन इनको देख के ही लिया है। अनुज कुछ नहीं कहता है, वही सड़ा हुआ मुंह बना के वही बैठा हुआ है और अनुपमा अनुज को ही देख रही है कि अनुज की एक स्माइल आए और अनुपमा की हजारों चेहरे पे आ जाए, ऐसी हालत हो चुकी है अनुपमा की। यहां पे डिम्पी का भी ये कहना कि मैं कितने बड़े सदमे से बाहर निकली हूं, मैं उस सदमे से निकल के होली मना रही हूं। और देखा जाए दोस्तों तो डिम्पी से बड़ा गम किसी का नहीं है। ऐसे मौकों पे नॉर्मली लड़कियां बेचारी सुसाइड कर लेती, आत्महत्या कर लेती, क्योंकि जीने का मकसद उनको खत्म होता हुआ नजर आता है। वहां पे डिम्पी ने जीने का मकसद देखा इन दोनों की वजह से। और आज जब अपने ऊपर बीती अनुज के, तो अनुज ने घुटने टेक दिए। सिर्फ बेटी अलग हुई है, सिर्फ बेटी अपनी मां के पास गई है। और इससे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ह्यूमन साइकोलॉजी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यह होता है कि दुख में सुख मिलना शुरू हो जाता है, और एक दुख में ईगो प्लस हो जाती है कि मैं कैसे खुश रह सकता हूं, मेरी बेटी नहीं है तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं। और दूसरों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि ये हंसा तो हंसा कैसे, ये मेरा दुख है और मेरे दुख के साथ मेरे जो साथी हैं उनको भी दुखी रहना चाहिए, वो कैसे खुश हो सकते हैं, कैसे ट्राई कर सकते हैं खुश होने की। और यहां पे इतनी बड़ी खबर देविका और धीरज की शादी की, उसने भी अनुज पे कोई इफेक्ट नहीं दिया, अपने उन दोस्तों की खुशी में भी नहीं शामिल होना चाहता अनुज। अनुपमा की तो बात ही छोड़िए, अनुपमा से तो वो इतना नाराज है, इतना नाराज है कि अब नफरत वाला मामला सामने आ रहा है। तो यहां धीरज और उसकी देविका की बात करती है अनुपमा की, वो कितने जगह हमारे साथ खड़े रहे हैं, उनकी लाइफ में पहली बार खुशी आई है, दोनों इतनी बुरी तरह से अपनी लाइफ में जोड़े गए हैं, इतने दुखी हुए हैं कि अब उनकी लाइफ में खुशी आई है तो उनके अपने दोस्त क्या उसमें शामिल नहीं होंगे। मगर अनुज टस से मस नहीं होता, वहीं से उठ के चला जाता है और उससे बड़ा सदमा अनुपमा को देता कि अब तो मैं तुम्हारे साथ एक रूम में भी नहीं रह सकता। अनुपमा देखती ही रह जाती है दोस्तों, ये हो रहा है अनुपमा की कोशिशों का नतीजा, यानी कि जितनी कोशिश वो कर रही है वो उल्टी ही पड़ रही है। अब देखना यह है कि होली में अनुपमा तो चली गई है, अनुज कैसे जाते हैं। जहां तक मुझे लगता है अनुज को माया लेके आएगी होली में, अनुज माया और छोटी के साथ आएगा होली में, क्योंकि अब माया के पास है तोते की जान, यानी कि छोटी, और तोता है अनुज। अब माया जैसे जैसे अनुज को घुमाएगी वैसे वैसे अनुज घूमेगा, माया कहेगी बैठ, बैठेगा, खड़ा हो, खड़ा हो, तो ये होगा दोस्तों, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर अनुज माया के कहने से कि छोटी भी साथ में चलेगी, आप चलिए ना, हम तीनों चलते हैं, तो अनुज चला जाएगा तो बढ़िया वाला जो है दुख जो है हम सबके सामने आएगा। तो अनुपमा देखती रह जाएगी कि मैंने इतनी कोशिशें की मगर ये नहीं आए। माया का कहना ये होगा कि छोटी के आने से आए, मगर छोटी किसके पास है, माया के पास। तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है दोस्तों, ये मेरा अंदाजा ही है। आप लोग भी बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अनुपमा की कोशिशों का तो नतीजा उल्टा ही निकल रहा है। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.